नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पेंस एनाटॉमी पर। और आज मैं आपको जो मैंने मॉडिफाई किया था जिन्हों X450 पेन, जिसकी निब को मैंने काट के एक सुपर फ्लेक्सिबल निब में कन्वर्ट किया था, उसकी राइटिंग इम्प्रेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और साथ ही साथ एक दूसरा पेन को मैंने आज ट्राई किया था, दैट इज़ आर्टेक्स कार्टेज 07, जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में मिलता है आपको मार्केट पर। उस पेन के निब को भी मैंने काट कर एक फ्लेक्सिबल निब में कन्वर्ट किया है। तो दोनों पेन की आज मैं आपको राइटिंग सैंपल्स दिखाने वाला हूँ कि एक नॉर्मल फाउंटेन पेन को जब आप काट के इसको एक सुपर फ्लेक्सिबल निब में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा लिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हालांकि जो नॉर्मल जो पेन है, नॉर्मल पेन की जो निब है, ये जो है पेन था ये मीडियम निब वाला पेन था। तो काटने के बाद क्या होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है निब में वो आ जाती है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। और आप आपके मन के अनुसार आपकी जो अक्षर है उसको पतला या फिर मोटा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी यूनिक टेक्निक जिससे आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो फाउंटेन पेन्स है वैसे ही इसके दाम ज़्यादा रहते हैं, और फ्लेक्सिबल के नाम पर आपको करीब 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया मेड फाउंटेन पेन भी लेते हैं फ्लेक्सिबल, तो भी आपको अराउंड 5,000 के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इस सिंपल मेथड से, आप देखिए, इस सिंपल मेथड से मैंने अपने ही जो एक एग्जिस्टिंग पेन थी जिसका कीमत थी अराउंड 450 की, विदिन 500 रुपीज़ था इसका प्राइस, और उसी पेन को मैंने एक सुपर फ्लेक्सिबल पेन की रूप दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप घर में अगर ऐसा कोई पेन है, या फिर अगर आपके पास एक अच्छा निब है, तो उस निब को भी आप बीच से काट कर आप इसको पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी 3-4 दिन पहले की पहले जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा कि मैंने इसको किस तरह से काटा। तो उस तरह से अगर आप इसको काट लेंगे तो ये एक सुपर फ्लेक्सिबल पेन की रूप ले लेगा। तो मुझे तो लिख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर देखता हूँ कि इस पेन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी है। हालांकि ये जो पेन है ये लिखने के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए मैंने इस पेन को चूज़ किया। इसके पहले मैंने ट्राई किया था जो नया पेन मैंने रिसीव किया था, प्रेसिडेंट फैशन फाउंटेन पेन फ्रॉम पियरा कार्डिन, लेकिन उसकी जो निब थी वो काफ़ी अच्छी तरह से फिट थी, जिसको मैं खोल नहीं पाया। तो फीडर भी ख़राब हो सकता था, निब भी ख़राब हो सकता था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जिनहो का X450 पेन को लिया, क्योंकि इसकी जो निब ये काफ़ी ढीला था, और ये पेन लिखने के लिए भी इतना खास नहीं था, क्योंकि इसकी जो वेट है वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैंने इस पेन को कन्वर्ट किया है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेन है जो ज़्यादा हैवी हो, या फिर आप कम यूज़ करते हो, लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो भी पेन आप यूज़ करें उसकी जो निब है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा वाला निब होता है तभी ये फ्लेक्सिबल बनेगा। अगर आप छोटा या फिर मीडियम साइज़ की निब को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शायद ये इतना कारगर फ्लेक्सिबल ना बने। तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने पेन को फ्लेक्सिबल पेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी जो निब है वो इसी तरह का निब हो, थोड़ा सा बड़ा साइज़ पर, ताकि अगर आप इस पेन को कन्वर्ट करें तो ये फ्लेक्सिबल बने। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस पेन को जो मैंने 25 या 30 रुपीज़ में ख़रीदा था लोकल मार्केट से। तो ये आर्टेक्स कार्टेज 07 पेन है, बहुत ही मामूली सा पेन है, इसकी बिल्कुल भी बहुत इतना अच्छा खास नहीं है। लेकिन इसी के निब को भी मैंने उसी तरह से काट के देखा है। हालांकि इसकी जो निब है वो जिन्हों का 450 से काफ़ी छोटा है, जिसके लिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सुपर फ्लेक्सिबल तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है ये पेन। तो इस पेन को भी मैंने काट के देखा है, आज सुबह ही मैंने इसको काटा था, तो इसके भी जो फ्लेक्सिबिलिटी आया है
वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि 25 रुपीज़ का पेन को अगर आप एक फ्लेक्सिबल पेन के रूप दे सकते हैं तो इससे अच्छा चीज़ और कुछ नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इस पेन से जब मैंने कोशिश किया लिखने की, हालांकि इस पेन में एक तो मुझे कमी दिखाई दिया, क्योंकि इसकी जो निब थी वो बहुत ही रिजिड थी, और जिसके कारण काटने के बाद थोड़ी सी जो अलाइनमेंट है दो साइड का वो थोड़ा सा बिगड़ गया। इसके लिए इसकी जो स्मूथनेस है वो ठीक ठाक है, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि बाकी जो पहली वाला पेन का था उसमें तो कुछ तकलीफ मुझे नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फ्लेक्सिबल था। लेकिन इस पेन को देखिए, ये भी एक फ्लेक्सिबल पेन का रूप ले चुका है, लेकिन इस पेन में एक दिक्कत जो मुझे दिखाई दी है वो है इसकी स्मूथनेस, थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप अच्छा वाला निब लेते हैं, अच्छा वाला पेन लेते हैं कन्वर्ट करने के लिए, एक इसको मॉडिफाइड करने के लिए, तो शायद आपको अच्छा और एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ का ध्यान ज़रूर देना चाहिए था, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि निब का साइज़ बड़ा हो, काटने का टाइम पे ऐसे काटे कि उसकी जो निब है या फिर फिडर है वो डैमेज ना हो, और साथ ही साथ एकदम यूनिफॉर्मली काटे कि इस साइड में ज़्यादा उस साइड में ना हो, बीच से काटना है थोड़ा सा बस ऊपर की ओर, ताकि दो साइड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाए। नहीं तो आपका निब खराब हो सकता है, फिडर खराब हो सकता है, और काफ़ी मीन्स जब बनाएंगे तो काफ़ी सावधानता के साथ बनाना पड़ेगा। या फिर आप काम कर सकते हैं, अगर आपका नियर बाई कोई भी ज्वेलरी शॉप है, उन लोगों के पास काटने की अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ से जाके भी आप 10-15 रुपया खर्चा करके भी कटा के लेके आ के सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोफेशनल तरीके से वो लोग काटेंगे। तो बस इतना ही है, मुझे अच्छा लगा है इस पेन को फ्लेक्सिबल बना के। हालांकि आर्टेक्स जो पेन था, कार्टेक 07, वो फ्लेक्सिबल बनेगा मैं सोचा भी नहीं था। तो अब तो दो पेन को फ्लेक्सिबल बनने के बाद मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि आप आसानी से कोई भी फाउंटेन पेन को फ्लेक्सिबल और सुपर फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ।